प्यारे बच्चों आज की क्लास में बात करेंगे एलसीएम भाग विधि से एलसीएम कैसे करते हैं इसके लिए क्लास को पूरा एंड तक आपको देखना है और ये जो आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं ये बैच यूट्यूब पे डेली लाइव देख सकते हैं रात नौ बजे से नौ बजकर चालीस मिनट तक चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए ये आप देख ही रहे हैं बैकग्राउंड में क्या लिखा है स्क्रीन ले लीजिए आज का टॉपिक है एलसीएम भाग विधि से एलसीएम करेंगे जिसे पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है देखिए अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है सदैव उनका गुणनफल होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिना क्वेश्चन हल हल्की आंसर पा जाओगे बेसिक सीख रहे हो फिर भी जरूरी है ऐसी संख्या जिनमें सबसे बड़ी संख्या बाकी छोटी संख्याओं से विभाज्य हो तो उनका एलसीएम सबसे बड़ी संख्या होती है ठीक है समझ गए चलिए अब एक सवाल इसी पर जरा देखिए प्यार से जो मैंने आपको समझाया उसी का यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है देखिए एलसीएम वाला जो पहला क्वेश्चन है ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं आपस में अभाज्य है इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ठीक है तो इनका जो गुणनफल है आपस में जिनको गुड़ा करके जो मिलेगा वही इनका एल्सियम होगा तीन सात इक्कीस इक्कीस पंचे एक सौ पांच ठीक है अगला संख्याएं सोलह बत्तीस व चौसठ का एल्सियम बताइए इसमें बहुत आसान है मैंने अभी दूसरा बताया था कि ऐसी संख्याएं चाहे दो है तीन है या छह आठ कितनी भी है अगर उनमें सबसे बड़की वाली संख्या सबसे बड़ी वाली जो संख्या है वो बाकी छोटी संख्याओं से पूरी तरह विभाज्य है मतलब भाग करने पे जीरो आएगा ऐसी दशा में एलसीएम सबसे बड़ी वाली संख्या होती है ठीक है बिना हल किए बता दो आंसर आइए अब इनको हम हल करके आपको दिखाते हैं बयालीस का एम भाग विधि से देखिए एक बात याद रखिए हमारी क्लास उनके लिए जिनको मैथ नहीं आती है जो मैथ से बहुत ही पीड़ित है या जिनको बहुत कम आती है अगर आपको आती है तो यहाँ पर कोई प्रकार की बहस मत करिए चलिए जिंदगी में कुछ और करिए अगर रील देखने से फुर्सत मिल गई YouTube की तब है ना आजकल रील बहुत बड़ी बीमारी है यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक घंटाग्राम कोनो ऐसा चीज़ नहीं जहाँ रील ना आती हो छोटी छोटी वाली बहुत बर्बादी का कारण है ये आने वाला टाइम बहुत बुरा होगा ये रील की वजह से चलो देखो दो से भाग करेंगे दो दूना चार दो एक कम दो दो दूना चार दो अठे सोलह फिर इक्कीस देखिए जाएगा नहीं आ, इसके पीछे की थोड़ी कहानी में बताऊं क्या आपको जानोगे ये दो यहाँ लिखा इक्कीस यहाँ कैसे आया पता है देखो जो ये फोर्टी टू है इसमें क्या करेंगे दो से करेंगे भाग ठीक है क्या करेंगे भाग करेंगे समझना तो अगर आप भाग करोगे ट्वेंटी वन आएगा कितना आएगा ट्वेंटी वन ठीक है समझना मेरा मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं आओ दो न चार जीरो इसमें से ऊपर दो उतारोगे तो दो एक कम दो ठीक है घटाओगे कितना आएगा जीरो यानी आपका कितना आया यहाँ पे इक्कीस ये क्या है ये भागफल है जो यहाँ भाग देने पे आता है उसको यहां लिखते हैं ठीक है और जिससे मैंने भाग किया था उसको यहां लिखते हैं समझ गया पहला स्टेप दूसरा वाला संख्या में क्या है इसी तरीके से जैसे मैंने बयालीस में दो का भाग किया वैसे आप छप्पन में यानी में दो का भाग करोगे तो ट्वेंटी एट आएगा भागफल ठीक है और डिवाइजर आपका टू ही रहेगा क्योंकि टू से ही हम भाग कर रहे हैं इसमें एक चीज ध्यान रखना है अगर यहां जो संख्या लिखा है उससे अगर इधर की दोनों तीनों चारों जितनी भी संख्याएं हैं पूरी तरह से विभाज्य हैं तो एक ही बार में सबका भागफल नीचे लिख देते हैं ठीक है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी फिर नेक्स्ट के लिए देखना मगर प्यार चलो भैया फिर अब दूसरे वाले पे आ जाओ इस दो से भाग करेंगे इक्कीस में अगर दो से भाग करने पर इक्कीस पूरी तरह से विभाज्य नहीं है आप सबको पता है कि नहीं है ना ये क्या हो रहा है यार? नहीं है ना तो हम क्या करेंगे उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे वैसे लिख देंगे जैसे वो है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे उसे उतार दिया लेकिन जब दो से भाग आप अट्ठाइस में करोगे तो आपको पता है चौदह आएगा इतना तो आप जानते ही हो और फिर से ऐसे लिख देंगे क्योंकि दो से भाग करने पर इक्कीस में पूर्णता विभाजित नहीं है फिर दो सात चौदह फिर सात से करोगे इक्कीस फिर देखो एक मिनट मिस्टेक सात से भाग करने पर इक्कीस पूरी तरह से विभाजित है तो आप यहाँ क्या लिखोगे और एक चीज़ और सात से करने के पहले आप तीन से करिए जिससे सीरियल बना रहे छोटी से छोटी संख्या से पहले करते हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं जीरो लेवल से अगर सिर्फ आंसर निकालना होता तो आंसर हम ऐसे बता देते हैं संख्या देख के ट्रिक वाला उसके लिए कमेंट करिएगा हम आपको ट्रिक दे देंगे ठीक है चलो तो तीन सतह इक्कीस और फिर ये सात चूँकि तीन से भाग करने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं है इसलिए सात को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे ऐसे लिख देंगे अब फिर सात से करेंगे तो सात एक कम सात सात एक कम सात अब यहाँ लिखेंगे एलसीएम क्या करेंगे पता है आ, देखो आ, ये तीन बार है और ये तीन और ये सात देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए तो क्या लिखेंगे पता है बहुत से छोटे बच्चे भी देखते हैं हमारे यहाँ पे आप हाल लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख लेंगे एल सी एम ऑफ फोर्टी टू ऑफ्टी सिक्स ठीक है फिर यहाँ लिखेंगे बराबर ऐसे ठीक है हिंदी मीडियम वाला लिख लेंगे बयालीस व छपन का एल सी एम बराबर एफ नीचे इसको ऐसे करेंगे इनका आपस में गुड़ा करेंगे दो दूना चार दूना आठ तरीक चौबीस और चौबीस का सात में गुड़ा करोगे साथ ही मेरे तो सात चौक अट्ठाईस हासिल आया दो सात दूना चौदह दो सोलह ये हो जाएगा आंसर नो डाउट कोई टेंशन नहीं फटाफट देखिए इस वीडियो क्लास को पूरा एंड तक देखना है देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें समझाता हूँ कुछ बच्चों का कहना होता है हम सिर्फ लाइव देखेंगे हम वीडियो नहीं देखेंगे वीडियो तो यूट्यूब पर बहुत पड़े हैं अरे गदा जब एक एक पॉइंट हम दुई से लेकर फार तक पढ़ा रहे हैं तुमको एकदम किच्ची किच्ची भर से तो वीडियो लाइव में क्या फर्क पड़ता है लाइव में वही जो नाम बोल देते हैं फलाने जुड़े हैं फलाने जुड़े हैं और तुम थोड़ा चैट वैट कर लेते हो सेटिंग कर लेते हो हाय जी कैसी हो यही मजा आता लाइव में जिंदगी में कुछ करना है तो ये सब थोड़ा सा कम करिए मतलब ख़त्म मत करिए करिए लेकिन कम करिए आइए एक सौ और दो जैसा कि देखने से ही ये संख्याएं भोली भाली लग रही हैं यानी सम संख्याएं हैं है। इनको क्या करेंगे दो से डिवाइड करेंगे अगर दो से आप डिवाइड करोगे वन थर्टी को तो सिक्सटी फाइव आएगा भाग करके देख लेना दो से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वन फोर जीरो आएगा मतलब एक सौ चालीस अब दो से पुनः आप डिवाइड करोगे सिक्सटी फाइव पूर्वतः विभाजित नहीं है तो उसको वैसे निकाल लिख देंगे बिना कुछ छेड़छाड़ किए इनको भाग करेंगे तो सेवन जीरो सेवेंटी आएगा फिर आप दो से भाग करोगे तो सत्तर में पैंतीस आएगा इसी क्रम में अगर हम पांच से भाग करें क्योंकि दो से भाग करने पर ना तो पैंसठ में जीरो सेस फल आएगा ना ही पैंतीस में तो पाँच से भाग करेंगे पैंसठ में तो तेरा आएगा और पांच से पैंतीस में भाग करेंगे सात आएगा अब तेरा जो है सात से पूर्व विभाजित नहीं है वैसे लिख देंगे सात से सात को भाग करेंगे वन आएगा शेष फल अब थर्टीन को थर्टीन से करेंगे वन आएगा ये वन को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे एक सौ तीस व दो सौ अस्सी का एलसीएम बराबर देखो भैया टू जो है वो थ्री टाइम है फाइव वन टाइम है सेवन है और थर्टीन है तो इनका गुड़ा करोगे बाबू ठीक है बहुत आसान गुड़ा है देखो गुड़ा करने में क्या होगा कि आप इनका गुड़ा करो दो दूना चार दूना आठ और पंचे चालीस और चालीस को सात और तेरह ये गुड़ा करना है इनको गुड़ा करेंगे दो सौ अस्सी हो जाएगा और ये तेरह से अलग कर देंगे तेरह से इनको अलग गुड़ा करेंगे हो जाएगा छत्तीस सौ चालीस समथिंग कितना छत्तीस सौ चालीस अगर कोई डाउट है तो बताओ अब ये मत कहना मुझे गुड़ा करना नहीं आता है ठीक है गुड़ा करना आपको आना चाहिए किसी के कोई तकलीफ मन में कोई दर्द तो बताओ मुझे मतलब पढ़ाई वाला दर्द बाकी तो जिंदगी में बहुत दर्द है है ना कोई नौकरी के लिए रो रहा है मतलब रो रहा है कोई छोकरी के लिए रो रहा है किसी को छोकरी मिल गई है इसलिए रो रहा है वो रुला रही है हुं? चलो इसका उल्टा भी हो सकता है अपोजिट भी आइए 660 और 720 लीजिए 660 और 720 अच्छा अगर इसमें ऑप्शन दे दूं तो क्या आप आंसर बता लोगे आ, इसमें क्या आंसर हो सकता है उन्यासी अस्सी उन्यासी बीस सी वाला उन्यासी नब्बे डी वाला उन्यासी दस बताओ फाइव नंबर में क्या आंसर हो सकता है जल्दी कमेंट करिए फटाफट देर मत करिए चलो भाई वेरी गुड बच्चा पार्टी चलो लगे रहो दो से भाग करोगे अगर आप 630 में तो 330 आएगा मीन्स 660 में दो से इनको भाग करोगे दो तिहाई छः और दो छंग बारह जीरो डन क्योंकि छत्तीस दुना बहत्तर होता है दो से इनको भाग करेंगे दो एक कम दो ये हो जाएगा तेरह दो छंग बारह और ये बचाए एक दो पंच दस इनको दो से भाग करोगे आपको पता है एक सौ अस्सी आएगा दो से भाग करने पर एक बिल्कुल नहीं पिघलेगा एक जो है नब्बे हो जाएगा दो से भाग करोगे फिर इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ये हाफ हो जाएगा भाई साहब अब तीन पे आ जाओ तीन पचे पंद्रह तीन पचे पंद्रह तीन से भाग करोगे पैंतालीस में पंद्रह आएगा डन फिर तीन से अभी जा रहा है तो कोई रिस्क नहीं लेने का तीन पचे पंद्रह बताओ को तकलीफ हो क्यों का तो भैया सब मजा होती है ना पाँच से पचपन में भाग करवा ग्यारह आए पाँच एक कम पाँच नीचे वाला ग्यारह भी ले लिया सब भाई और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज थो लिख दे थोड़ा छोटका कही के हम्म चलो भाई तो कहते हैं संध्यान करा सब चला देखा इधर ये होगा ना क्योंकि कोनो दिक्कत भाई कोनो दिक्कत अरे मतलब सवाल देख के कोनो दिक्कत भाई ना वैसे तो बहुत दिक्कत किया है देखा अब यहाँ लिखेंगे हल तो वहां लिखे ही हो <laughs> सही जगह पे सही चीज करिए आइए आप लिखेंगे आ, जीरो वा सेवन टू जीरो एंड लिख देना बीच में इंग्लिश आधा हिंदी सही नहीं लगता है थोड़ा सा कम सुंदर लग रहा है भैया देखा सब देखा सब देखा, सब देखा थोड़ा पत्र कर लेगा एक दुई तीन चार चार बार दो है तो भाई साहब इनको लिखो वन टू फोर टाइम एंड थ्री जो है टू टाइम है फाइव वन टाइम है एंड थर्टीन टाइम है डोंट वरी ए थर्टीन का आएगा दाहा इलेवन है इलेवन है ओके okay? तो हो गया बढ़िया चलो अब इनका गुड़ा करेंगे दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह और इनको तीन तरीक का हो, तो ये हो जाएगा वन फोर फोर सोलह नव एक सौ चवालीस पाँच का गुड़ा होगा ना है नहीं गुड़ा ग्यारह भाई साहब जब पाँच का गुड़ा करोगे एक सौ चवालीस में तो बाबू ये सात सौ बीस आएगा करके देखना और ग्यारह का गुड़ा करोगे तो उनासी बीस आएगा कोनो दिक्कत नहीं कहू के छाप लो फटाफट ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहा देखिए मुझे लग रहा है ना क्लास बहुत लंबी हो जा रही है ये मैंने तरीका बता दिया ये होमवर्क है फटाफट लिख लिया भैया सब भाई जल्दी लिख ला जल्दी लिख ले भैया ये होमवर्क है डब्लू एच डब्लू घरे करा चाहे दुआरे करा चाहे खेत में करा जहां मर्जी हुआ करा होमवर्क है सभी करना जरूर ठीक है तो जो छात्र बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं लाइव देखना चाहते हैं वो पी स्टडी इलाहाबाद चैनल पर रात नौ बजे से नौ बजकर चालीस मिनट तक देखें और ये क्लास सिर्फ लाइव देख पाएंगे लाइव के बाद ये क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेगी अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें एक बार जरूर आजमाएं कोई प्रकार की इंक्वायरी है कुछ कहना चाहते हैं नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है संपर्क करें कृपया याद रखें कक्षा अच्छा चार पाँच वाले बच्चे संपर्क ना करें जो बच्चे आठ से हैं या आठ के ऊपर हैं वही संपर्क करें